हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो ऐसे केसी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस। आज हम सीखेंगे कि हाउस रेंट अलाउंस की कैसे कंप्यूटेशन होती है, कैसे हम निकालते हैं कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है और कितना अमाउंट टैक्सेबल है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन है 10(13)(a) कैपिटल ए। सेक्शन 10 जो होता है वो एग्जेम्प्शन लिस्ट होता है। सेक्शन 10 के अंदर जितने भी सेक्शन आएंगे, सब सेक्शन आएंगे, वो सब क्या होंगे? एग्जेम्प्शन होंगे। तो एचआरए भी क्या है? सेक्शन 10 के अंदर आता है, 10(13) कैपिटल ए के अंदर। इसलिए एचआरए भी क्या है? एग्जेम्प्शन है, लेकिन पूरी अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं है, कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है। तो हमें सीखना है कि कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है, तो आज हम वही सीखेंगे। हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं हम टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए। ये इसका फॉर्मेट है। यहां हम लिखेंगे एचआरए रिसीव और इसमें हम माइनस कर देंगे जो 10(13)(a) बोलेगा कि इतना एग्जेम्प्ट है, क्योंकि इतना मिला था उसमें से उतना निकाल देंगे जो एग्जेम्प्ट हो गया, तो बाकी अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल। तो हम क्या कर देंगे? एग्जेम्प्शन अंडर सेक्शन 10(13)(a) जो भी एग्जेम्प्शन आएगा वो यहां माइनस कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बचता है वो अमाउंट कहलाएगा टैक्सेबल एचआरए। ये है फॉर्मेट। अब दिक्कत क्या है? फाइट जो है, पूरी फाइट इसके लिए है कि एग्जेम्प्शन होगा कितना, क्योंकि अगर हम ये निकाल लें कि एग्जेम्प्शन कितने होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये क्वेश्चन दिया रहेगा एचआरए रिसीव्ड, उसमें से हम एग्जेम्प्शन माइनस कर लेंगे और हमें मिल जाएगा टैक्सेबल एचआरए। तो हम सीखते हैं कि एग्जेम्प्शन निकलती कैसे है। तो एक हम अपने क्वेश्चन में लिख देंगे वर्किंग नोट कि हमने ये कैसे निकाला होगा। आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे, ये फॉर्मेट है इसका, ये हम निकालेंगे वर्किंग से अभी अभी। तो हम लिखेंगे वर्किंग नोट 1 देखो क्या एग्जेम्प्शन होगा। तो इसमें बोला गया लिस्ट द फॉलोइंग। मैं यहां पे 3 पॉइंट लिखूंगा जो सबसे कम होगा, सबसे कम वाले को लिखा जाएगा एग्जेम्प्शन के लिए। इन तीनों पॉइंट जो सबसे कम होंगे, मेरे पास 3 पॉइंट होंगे, इस तीनों पॉइंट में से जो सबसे कम होगा वही अमाउंट एग्जेम्प्शन के लिए जाएगी और वो माइनस कर दिया जाएगा एचआरए रिसीव्ड में से, और जो बच्चे का वो होगा टैक्सेबल एचआरए। वो 3 पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट तो था एचआरए रिसीव्ड, एचआरए रिसीव्ड पहला ही पॉइंट है। अब देख मान लेते हैं कि 3 पॉइंट थे, मान लेते हैं तीनों में सबसे कम एचआरए रिसीव्ड ही आया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम एचआरए रिसीव्ड में से एचआरए रिसीव्ड ही माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 0। टैक्सेबल अमाउंट क्या है? 0। तो आपको देखना है तीनों में सबसे कम क्या होंगे। तो पहला पॉइंट तो वही है एचआरए रिसीव्ड, दूसरा पॉइंट जो है वो है रेंट पेड माइनस
10% ऑफ सैलरी, हमने जितना रेंट पे किया है क्वेश्चन में दिया जाएगा आपके पास, उसमें से हम माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। तीसरा जो है वो कुछ ऐसे है 50% और 40%, कोई एक ही रेट लगेगा, बताऊंगा कैसे लगेगा रेट, 50% या 40% ऑफ सैलरी। ये वो तीन पॉइंट है, इन तीनों में सबसे कम जो होगा वो होगा एग्जेम्प्शन। अब बात कर लेते हैं दो चीजों की कि सैलरी का मतलब क्या, हम 10% ऑफ सैलरी निकालेंगे तो सैलरी में हम किस किस अमाउंट को इंक्लूड करेंगे, सिर्फ तीन ही पॉइंट है। सबसे पहला है बेसिक, उसको बेसिक ले लेते हैं, बीए छोड़ के। दूसरा है डीए, इफ डीए इफ का मतलब है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वही डीए इसमें ऐड होगा जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। तीसरा हो जाएगा परसेंटेज बेस्ड कमीशन, हम सैलरी में तीन अमाउंट इंक्लूड करेंगे, बेसिक अमाउंट, डियरनेस अलाउंस जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, प्लस परसेंटेज बेस कमीशन। अगर कमीशन परसेंटेज बेस नहीं होगी तो उसे हम नहीं लेंगे, परसेंटेज बेस होगी तो ही लेंगे। अब बात कर लेते हैं 50% कहां 40% कहां, तो 50% ऑफ सैलरी जो है वो सिर्फ चार स्टेट के लिए दी गई है, वो है मेट्रो सिटी स्टेट। सबसे पहला है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। मतलब अगर आप इन चार स्टेट में नहीं रह रहे हो तो आप 50% ऑफ सैलरी निकालोगे। अगर आप और कहीं पे भी हो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, कहीं पे भी, तो आप क्या करोगे 40% ऑफ सैलरी निकालोगे। तो इन सिर्फ चार स्टेट के लिए हम कंडीशन में 50% ऑफ सैलरी निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कि सबसे कम क्या आ रहा है, और बाकी चार को छोड़कर बाकी रेस्ट ऑफ स्टेट के लिए हम 40% ऑफ सैलरी निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे तीनों सबसे कम क्या आ रहा है। जो सबसे कम आएगी उसे हम यहाँ लिखेंगे और माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो होगा टैक्सेबल एचआरए एज पर सेक्शन 1013A। तो हमने एग्जेम्प्शन देखा 1013A के साथ एग्जेम्प्शन क्या हो जाएगी, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा टैक्सेबल एचआरए। तो ये आपकी कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस है। हाउस रेंट अलाउंस एक तरह का एग्जेम्प्शन है, इसका सेक्शन है सेक्शन 1013 कैपिटल ए, जो बोलता है कि हम लीस्ट द फॉलोइंग को एग्जेम्प्ट कर देंगे। उसके तीन पॉइंट है, पहला तो क्या है एचआरए रिसीव, दूसरा क्या है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा पॉइंट है 40% और 50% ऑफ सैलरी एज द केस में भी। सैलरी मतलब क्या, तो बेसिक अमाउंट, डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड परसेंटेज बेस कमीशन। सिर्फ परसेंटेज बेस कमीशन आएगा, कमीशन अगर दिया हुआ है ऐसे नहीं, ओनली फॉर परसेंटेज बेस कमीशन। उसके बाद था कि 40% और 50% कहां कहां, तो 50% सिर्फ चार स्टेटों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बाकी सब स्टेट के लिए क्या हो जाएगा 40%। ये आपकी ओवरऑल एचआरए है, ये इससे ज्यादा एचआरए होता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे।